सोलन के तानसेन संगीत महाविद्यालय में 4 दिवसीय तबला वादन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सुप्रसिद्ध तबला वादक सौरभ गुहू ने विद्यार्थियों को तबला वादन की बारीकियों के बारे में आवश्यक टिप्स दिए और तबला वादन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन भी किया, जिनका युवा तबला वादकों ने बेहद लाभ उठाया। कार्यशाला में 50 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के अंतिम दिन सिटी महफिल 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से चन्ना म्यूजिकल एकेडमी शिमला से आए विनोद चन्ना ने अपनी प्रस्तुतियां देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में तानसेन संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दौर में युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय परंपराएं और संगीत लुप्त होने की कगार पर है। इसीलिए उनके संस्थान द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों में युवाओं में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सिटी महफिल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तबला वादन में महारत हासिल कर चुके सुप्रसिद्ध तबला वादक ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्हें बताया कि उनके संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं को जिंदा रखना और वाद्य यंत्रों में युवाओं की रुचि पैदा करना है। तानसेन और जैसे चन्ना म्यूजिकल एकेडमी है शिमला की, हम सारे कार्यरत हैं इस चीज के लिए कि यहाँ का जो नई पीढ़ी है, नया पोटेंशियल है, उनको एक रास्ता मिल सके, उनको एक जगह मिल सके, एक ठिकाना मिल सके, जहाँ वो जाके इन चीज़ों की तमीज से तालीम ले सके, उसको फिर चाहे उन्होंने अपने करियर में लगाना है, चाहे शौक के लिहाज से करना है। लोग कहते हैं कि भी शास्त्रीय संगीत जो है लुप्त होता जा रहा है, लुप्त नहीं हो रहा है। अगर हम उनको सिखाएंगे तो बच्चे आगे उस फील्ड में आगे जा रहे हैं। हमने ये डिमांड की थी सीएम साहब से भी कि जो हर स्कूल में जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसको जो आगे सिखाया जाए, ये जो धरोहर है हमारी संगीत की, इसको लुप्त ना होने दिया जाए, बच्चों को आगे जो इस क्षेत्र में जो आगे उनके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म मिले। ये मेरा थर्ड टाइम है इधर हिमाचल में मैं आया सोलन में। लास्ट दो बार जो आए थे उस टाइम हम प्रोग्राम किए थे इधर, लेकिन दिस टाइम आई हैव कंडक्टेड अ वर्कशॉप, तबला वर्कशॉप। सो हिमाचल के अलावा भी बाहर से भी बहुत पार्टिसिपेशन इस टाइम मिला। आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले। तो ये 4 दिन का वर्कशॉप जो था, वो हमको तो इधर बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिला, देखने को मिला।